गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। अगर आपने ये न्यूज़ सुना है या ये वीडियो के साथ सुन लोगे कि स्पेसएक्स का जो नया मिशन था जो कल ही लॉन्च हुआ, कल मतलब रिलेटिव टू द वीडियो डेट, ट्रांसपोर्टर वन करके इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया इसरो का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 104 का। इन्होंने 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अब काफी लोग ट्विटर पे वगैरह इंस्टाग्राम पे वगैरह पूछने लगे कि क्या इसरो ये रिकॉर्ड वापस तोड़ सकती है, क्या हम रिक्लेम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जनरली उतना एनिमेशन वगैरह कुछ होंगे नहीं, जस्ट एक सिंपल वीडियो होगा। तो स्पेसएक्स का मिशन एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूँ। इसका मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर वन। ये एक फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लॉन्च हुआ। इसके ऊपर 143 सैटेलाइट्स थे, काफी सारे डिप्लॉयर्स वगैरह थे, काफी सारे क्लाइंट्स थे इनके, जैसे स्पेसएक्स के खुद के स्टारलिंग सैटेलाइट्स थे उसके ऊपर, फिर नैनोरेक्स के कुछ प्लैनेट के इमेजिंग सैटेलाइट्स वगैरह, कैपेला का सारे इमेजिंग सैटेलाइट वगैरह, और ऐसे बहुत सारे थे। साउथ कोरिया का डिफेंस सेट भी था शायद, या इसराइल का। तो ऐसे काफी सारे छोटे 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 सैटेलाइट्स मिलके ये एक बड़ा पेलोड बन गया था। अब इसका जो पेलोड मास है वो करीब 5 टन्स, यानी करीब 5 टन्स, 5000 kg के आसपास था, और ये सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा रहा था 500 किलोमीटर, जो ऑलमोस्ट जो पोलर ऑर्बिट है। फिर एज यूजुअल स्पेसएक्स का बूस्टर लैंड किया, उन्होंने फेयरिंग वगैरह पकड़ा, वो सब चलते गया। अभी क्वेश्चन आते हैं इसरो के रिकॉर्ड के ऊपर। तो जो इसरो का 104 सैटेलाइट वाला रिकॉर्ड था वो PSLV C-37 के ऊपर था, जो 15 फरवरी 2017 में लॉन्च हुआ था। अभी एक PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन में था। इस केस में टोटल पेलोड मास जो है वो 1.3 टन यानी 1300 kg था। उस केस में क्या था, उस केस में मेन सैटेलाइट अपनी सैटेलाइट थी जो है कार्टोसैट 2D सैटेलाइट, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। उसका लॉन्च मास करीब 700 किलो था, तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा वेट जो है वो कार्टोसैट 2D का था, ओके। और बाकी के 103-101 जो है वो सब छोटे सैटेलाइट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि इसरो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। अगर इसरो चाहता है तो फुल्ली कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, जहां कार्टोसैट 2D के बजाय और 100 छोटे सैटेलाइट्स हो सकते थे, या और 50 या जो भी है फिट हो सकते हैं उस छोटे से इसमें। आप देख सकते हो वो इमेज पेलोड का, पर ये इतना सिंपल नहीं है। देखो, जब भी कोई लॉन्च करता है इसरो रिकॉर्ड बनाने के लिए लॉन्च नहीं कर रहा है। मे बी उस लॉन्च में रिकॉर्ड बन जाए, वो अलग बात है। पॉइंट आता है कमर्शियली, जब ये लॉन्चेस करता है कमर्शियल लॉन्चेस, तो एंट्रिक्स या अभी न्यू स्पेस इंडिया अंतरिक्ष जो भी है, या न्यू स्पेस इंडिया लॉन्चेस लाते हैं इनके लिए। फिर एक अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए जहां बहुत सारे स्मॉल सैटेलाइट इन्हें लॉन्च करने हैं, तो फिर वो सब क्लब कर सकते हैं ऐसे एक लॉन्च में। और PSLV के क्या है, PSLV बहुत रेयरली डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च करता है। देखो, इंडिया के बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो पेंडिंग है लॉन्च होने के लिए, तो उन्हें हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। और सपोज PSLV में थोड़ा टाइम या स्पेस बचता है, या थोड़ा पेलोड बचता है, तो उसमें वो लोग स्मॉल सैटेलाइट्स को भेज देंगे। तो इसे एक राइड शेयर कहते हैं, मतलब मेन लॉन्च जो है वो मेन सैटेलाइट का ही होता है। तो इस केस में PSLV C-37 का कार्टोसैट 2D था, और जो बाकी 100 सैटेलाइट्स ये लोग ऐड किए वो राइड शेयर थे, क्योंकि थोड़ा पेलोड बचा था एंड इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अग्रीमेंट्स थे, या कस्टमर्स थे, तो उनके सैटेलाइट्स ऐड ऑन किए इसके ऊपर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसरो रिकॉर्ड के लिए लॉन्च नहीं करता है, पहले तो अपने नेशनल रिक्वायरमेंट्स आते हैं, और फिर फाइनेंसेस और प्रॉफिट्स वगैरह भी कमाना है इसरो को लॉन्चेस के थ्रू। तो क्या इसरो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? हाँ, चाहिए तो वो तोड़ सकते हैं। अगर वैसा कस्टमर्स मिले उन्हें, उतने सारे छोटे स्मॉल सैटेलाइट कस्टमर्स मिले जिनका पेलोड PSLV XL के पेलोड के साथ टोटल मैच करता है वगैरह वगैरह, तो हो सकता है। और इसरो को अभी एक्सपीरियंस भी आ चुका है 104 सैटेलाइट्स के साथ, पर वैसा होता नहीं है वो समझो। मतलब रिकॉर्ड्स के लिए कोई लॉन्च नहीं करता है, आई मीन कर सकता है, बट अब समझो यार, फील आ गया रहेगा मेरे एक्सप्लेनेशन से, कि चाहिए तो इसरो कर सकता है रिकॉर्ड ब्रेक, पर वैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च होना चाहिए। तो फिलहाल तो कुछ है नहीं होराइजन के ऊपर, बट मे बी इस साल, पता नहीं। तो यही था, उतना सिंपल नहीं है हर चीज, मतलब कोई भी चीज हो, इवन अगर आप टॉयलेट ले लो तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इतना डायरेक्ट कंक्लूजन्स मत निकाला करो चीजों के बारे में। मेरे टॉयलेट वीडियो है कैसे काम करते हैं उसके ऊपर। ज्ञान के गरीब सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत।